गौरक्षकों के साथ मारपीट करने और गौ तस्करी का सहयोग करने के आरोप में करनाल CIA1 टीम ने ASI समेत 6 पुलिस कर्मियों को SP सुरेंद्र सिंह भूरिया ने सस्पेंड किया। फिलहाल आला अधिकारियों ने इस पूरे मामले में बयान देने को कोई भी तैयार नहीं। गौरक्षकों के साथ मारपीट करने और गौ तस्करों का सहयोग करने के आरोप में करनाल CIA1 टीम के SI समेत 6 पुलिसकर्मियों को SP सुरेंद्र सिंह बोरिया ने सस्पेंड कर दिया। गौरक्षा दल के सदस्यों ने बुधवार को करनाल लघु सचिवालय पहुंचकर पुलिस के खिलाफ रोष जाहिर किया। गौभक्त आजाद सिंह आर्य, नरेंद्र सिंह आर्य और इनके साथियों ने शिकायत दी और PM मोदी के नाम ज्ञापन भी भेज दिया, जिसके बाद एक्शन लेते हुए SP सुरेंद्र ने बुधवार को CIA1 टीम के SI समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। गौभक्तों ने आरोप लगाया है कि 1 दिसंबर को गौवन से भरे कंटेनर को करनाल CIA1 पुलिस के कर्मचारी कंटेनर को रोहतक से पानीपत होकर करनाल के रास्ते गौ तस्करी कराने का प्रयास कर रहे थे। उस पुलिस की गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं थी और गौवन से भरे कंटेनर पर भी नंबर प्लेट नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि गौवन से भरे कंटेनर को भी सिविल वर्दी में पुलिसकर्मी चला रहा था। मामला है क्योंकि ये कंटेनर पहले भी अभी कई दिन पहले पकड़ा गया था, 21 गौवंश थे। और सबसे जो गंभीर विषय है, करनाल की CIA पुलिस इसको रोहतक से चला के लेके आ रही थी और जो गाड़ियां पायलट कर रही थी इसको पुलिस की, उस पर कहीं भी आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं है। एक प्राइवेट गाड़ी थी, 2 पुलिस वाले इस कंटेनर में बैठे हुए थे। और जो है जहाँ भी हमारे गौरक्षक, मैं बार बार सूचना देता रहा कंट्रोल रूम में, जहाँ भी इस कंटेनर को रखवाते गौरक्षक, पुलिस वाले उतर करके जो है सीधी पिस्तौल दिखाते। इसके बाद गौ भक्त करनाल पहुंचे, जहां पुलिस गौवन से भरे कंटेनर को गौ तस्करी के लिए हरियाणा उत्तर प्रदेश बॉर्डर पार नहीं करवा सकी। ज्यादा दबाव बढ़ने पर पुलिस कर्मचारी कंटेनर को फूसगढ़ा गौशाला लेकर पहुंच गए, जहां गौरक्षक और पुलिस कर्मियों में काफी बहस हुई, जिसके बाद गौरक्षक दल के सदस्य पुलिस थाना पहुंचे, जहां उन्होंने गौ भक्तों को छुड़वाया और मेडिकल करवाने ले गए। फिलहाल इस पूरी घटना पर कोई भी पुलिस का आला अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। विकास मैला, टोटल न्यूज़, करना।